वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में जो आपको जरूर 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 ट्राई करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो चलिए हम ये टारगेटिंग ऑप्शंस देखते हैं। तो जैसे ही आप कोई भी ऐड बनाओगे फेसबुक के अंदर, डिटेल टारगेटिंग का आपके पास ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप ब्राउज पे जाओगे तो यहाँ से आप काफी सारी टारगेटिंग है जो कि फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है, जिसे कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टारगेटिंग्स हैं जो कि आपको जरूर जरूर ट्राई करना चाहिए। से मैं डेमोग्राफिक्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ लाइव इवेंट्स के अंदर, लाइव इवेंट्स, राइट। अब देखो जैसे मैं लाइव इवेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बड़े सारे टारगेटिंग ऑप्शन है। जैसे कि एक टारगेटिंग ऑप्शन आप देख सकते हो, रिसेंटली मूव्ड, राइट, रिसेंटली मूव्ड। अब रिसेंटली मूव्ड कौन से लोग हैं? ये रिसेंटली मूव्ड वो लोग हैं जो कि लास्ट 6 मंथ में जिन्होंने नई सिटी में मूव किया है, ठीक है। तो अब आप इन लोगों को आप क्या कर सकते हो? तो देखो, अगर आप आपका बिजनेस है, आप लंच वगैरह प्रोवाइड कराते हो, या आप मेड्स की सर्विस प्रोवाइड कराते हो, या आप सोफा क्लीनिंग की सर्विस प्रोवाइड कराते हो, आप कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, आप ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, तो आप प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, तो आप किन्हें किसे ऐड दिखा सकते हो? रिसेंटली मूव्ड वालों को आप सिंपल ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। देन देखो आपके पास ये बड़े अच्छे ऑप्शन है कुछ टारगेटिंग के, लाइक न्यूली एंगेज्ड। तो अगर आप ट्रेवल में हो, ट्रेवल से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो, तो न्यूली एंगेज्ड वालों को आप एड्स दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप गिफ्टिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है, गिफ्ट शॉप है आपकी, या गिफ्ट वगैरह का आप काम करते हो, देन अगेन आप न्यूली एंगेज्ड वालों को एड दिखा सकते हो, राइट। तो अगर आपका बिजनेस कुछ भी ऐसा है जहां आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हो जो न्यूली एंगेज्ड हैं, तो आप यहां से बहुत ही अच्छे ऑप्शन है आपके पास, आप यहां से इन्हें एड दिखा सकते हो। देन अगेन न्यूली वेड, देखो 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर, अगेन इन्हें भी आप एड्स दिखा सकते हो। अगर आप ट्रेवल से रिलेटेड हो, गिफ्टिंग से रिलेटेड हो, तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो न्यूली वेड वालों को। देन देखो न्यू जॉब ऑप्शन है आपके पास, न्यू जॉब, है ना। तो अगर आप से क्रेडिट कार्ड देते हो, या आप से आप इंश्योरेंस में हो, देन आप न्यू जॉब वालों को ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। देन देखो आपके पास एक ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ उसमें आ रहा है, मंथ ऑफ बर्थ। जैसे से आप आपका रेस्टोरेंट है, या आप ऐसी चीजें हैं कुछ आपकी, तो आप बर्थडे वालों को दिखा सकते हो। से आपने दिखाया बर्थडे इन सितंबर, सपोज करो आपका नेक्स्ट मंथ जिनका भी लोगों का बर्थडे है उनको आप ऐड दिखा रहे हो, और उन्हें आप कह रहे हो कि भैया वी सी योर बर्थडे इज कमिंग, तो ऑन दिस बर्थडे आप अपने दोस्तों को ट्रीट दीजिए हमारे रेस्टोरेंट में आके, आपको हम बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ऑफर करेंगे, राइट। तो आप ऐसे एकदम टारगेटेड एड इनको बता सकते हो, इनको दिखा सकते हो। प्लस एक ऑप्शन है देखो इसमें, अपकमिंग बर्थडे, राइट। अपकमिंग बर्थडे वाले कौन से लोग हैं जिनका नेक्स्ट वीक के अंदर बर्थडे आ रहा है, तो अगेन सेम एड आप इन लोगों को भी दिखा सकते हो। अब देखो सिंपल, अगेन देखो एनिवर्सरी है, जिन लोगों की एनिवर्सरी है विद इन 30 डेज, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज, तो अगेन इन्हें भी आप वही एड दिखा सकते हो कि भैया योर एनिवर्सरी इज कमिंग। अगर आप रेस्टोरेंट हो तो आप इन्हें ऐड दिखा सकते हो। अगर आप इन्हीं सब रेस्टोरेंट है, गिफ्टिंग है, तो अगर आप अगेन इनको सिंपल ऐड दिखा सकते हो और इन्हें इनवाइट कर सकते हो आपके साथ बिजनेस करने के लिए। तो ये लाइव इवेंट्स का जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा टारगेटिंग ऑप्शन है, आप इसे एक्सप्लोर करो और देखो कि इसमें से क्या क्या चीजें हैं जिसे आप टारगेट कर सकते हो, राइट। देन पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स के अंदर आओगे तो ऑल पेरेंट्स। अब अगर आपका स्कूल है ना, स्कूल है आपका, या आप इंश्योरेंस बेचते हो बच्चों की, तो आप इन लोगों को ऐड दिखा सकते हो। जैसे है ना पेरेंट्स ऑल, जितने भी लोग हैं जो कि पेरेंट्स हैं, और नीचे एज वाइज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है, पेरेंट्स विद टॉडलर्स एज 1 से 2, पेरेंट्स विद टीनएजर्स, तो आप इन लोगों को ऐड दिखाओगे। इंश्योरेंस है, चिल्ड्रन इंश्योरेंस है, अगर आपका स्कूल है, ट्यूशन सेंटर है, तो अगेन आप इन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं बहुत इजीली। देन आपके पास एक ऑप्शन है वर्क का, है ना,
तो आप यहाँ चाहो तो जॉब टाइटल से दिखा सकते हो, इंडस्ट्री से दिखा सकते हो, या फिर एम्प्लॉयर वाइज भी दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक एम्प्लॉयर के लिए है, तो आप यहाँ पे देखो एक सिंपल एक काम कर सकते हो, जिसे आपने एड दिखाई उन लोगों की जो कि टीसीएस में जॉब करते हैं, है ना। अब उनके लिए आप एक कस्टम ऑफर बना सकते हो कि सपोज आपने एड लिखी कि फॉर दोज वर्किंग इन टीसीएस वी हैव अ स्पेशल प्रोमो कोड, और इस कोड की हेल्प से आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा ओनली एंड ओनली इफ यू आर अ टीसीएस एम्प्लॉय, है ना। तो ऐसे करके कंपनी वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। अगेन ये बहुत ही परफेक्ट है अगर आपका रेस्टोरेंट है ना, तो अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप ऐसे कंपनी वाइज बाइफरकेशन करके उनके लिए अलग अलग आप ये ऑफर्स निकाल सकते हो और उन्हें आप इनवाइट कर सकते हो आपके रेस्टोरेंट में, या अगर उससे रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है। वर्क में अगेन क्रेडिट कार्ड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपका इंश्योरेंस एजेंट हो आप या आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो लोगों के, तो अगेन सेम चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। देन इंटरेस्ट में एज सच कुछ है नहीं, इंटरेस्ट में ये मेन मेन कैटेगरीज है तो इसमें एज सच ज्यादा कुछ है नहीं। देन अगेन अगर आप बिहेवियर में जाओगे तो यहाँ आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से अगेन एनिवर्सरी वाला ऑप्शन आ गया। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में देखो इंडिया के अंदर ये दो ऑप्शन दिखाता है, पहला ऑप्शन ये दिखाता है पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, और दूसरा ऑफर ये ऑप्शन दिखाता है पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। अगेन मैंने इन दोनों ऑप्शंस को टेस्ट किया है बट इससे कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल रिजल्ट मुझे मिले नहीं, तो आई विल नॉट रेकमेंड कि आप इसे ट्राई करो। अब देखो मोबाइल डिवाइस यूजर से भी आप टारगेट वो कर सकते हो कि कौन से लोग कहाँ से आपका फोन एक्सेस करते हैं, है ना, वन प्लस वाले हैं या न्यू स्मार्टफोन यूजर्स हैं, तो आप अगेन नॉट दैट ग्रेट बट अगेन ऑप्शन है आपके पास। पॉलिटिक्स अगेन इंडिया में है नहीं, ये यूएस के लिए है ज्यादा। और परचेज बिहेवियर में आप जाओगे तो एक ऑप्शन देखो एंगेज्ड शॉपर्स, तो अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो आप एंगेज्ड शॉपर्स वाले को ट्राई कर सकते हो। एंगेज्ड शॉपर्स क्या होते हैं, जो कि शॉप नाउ बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। तो ये मल्टीपल आपके पास टारगेटिंग ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हो। अगेन देखो अभी जो फेसबुक एड्स में एक बहुत 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 जरूरी चीज होती है जिसके बारे में पहले मैंने आपसे बात की हुई है, वो होती है टेस्टिंग, है ना। तो आप मल्टीपल ऑडियंसेस को टेस्ट करो, जब आप मल्टीपल ऑडियंसेस को टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस सबसे बेस्ट काम कर रही है। तो अगर ये जो भी हमने आज इंटरेस्ट देखे अगर ये आपके बिजनेस के लिए सेंस बनाते हैं, देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इन ऑडियंसेस को टेस्ट करो और देखो कि इनसे कैसा रिजल्ट आ रहा है, ताकि आप इम्प्रूव कर सको, अपने बिजनेस को ग्रो कर सको और अपना आरओआई बढ़ा सको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।